दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम बहुपद के शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पर इसके लिए हमने एक द्विघात बहुपद लिया है। तो दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, एक बार ही समझना है, उसके बाद आपके लिए शून्य निकालना चुटकियों का खेल होगा। तो वो तरीका क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में आ रहा है, कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। कुछ भी दिखाई दे नहीं दे रहा है, इसका मतलब 1। और लास्ट जो आपका कॉन्स्टेंट टर्म है, जो अचर पद है, कितना है, -8। इन दोनों को गुणा कर दो तो 1 × -8 कितना आ गया दोस्तों, आपका -8 आ गया। देखिए, 8 के जब आप गुणनखंड करते हैं, जैसे आप जानते हैं दोस्तों गुणनखंड करना पहले सीख चुके हम, तो वैसे 8 के जब गुणनखंड करेंगे तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं। अब देखिए, इन गुणनखंड का हम एक ऐसा पेयर बनाएंगे जिनको एड करने पर हमारा क्या आना चाहिए, जो यहाँ एक्स का गुणांक है कितना है, -2। क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो देखिए हम कैसे करते हैं, जैसे इसके साथ यहाँ माइनस है तो माइनस ले लेते हैं, इन दो पेयर को साथ ले और इसको अकेला छोड़ दें, तो 2 × 2 कितना, 4। और ये वाला जो माइनस चिन्ह है वो हमने इसके साथ ले लिया और इसको अकेला छोड़ दिया। इनका जब हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। यानी हमारा यहाँ पे हमें इस पेयर को सेलेक्ट करना है, और ध्यान क्या रखना है, वापस इनका मल्टीप्लाई करने पर जो आपका वैल्यू आ रहा है वो क्या होना चाहिए, वो वही वैल्यू होना चाहिए जो कि यहाँ पे आ रहा है, -8 आ रहा है। देखिए, इनको वापस गुणा करने पर भी कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे आज आप अपना इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। अब आगे क्या करना है, यह जो -2 है इसकी जगह अब हम क्या लिख देंगे, -4 और +2। इसके साथ एक्स है तो यहाँ भी एक्स आ गया, -8 आ गया। उसके बाद हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं, इन दोनों को एक साथ लेते हैं, यहाँ से हम एक्स को बाहर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर कॉमन चला गया, एक्स आ गया, 4x से आपका x बार चला गया, 4 आ गया। इन दोनों में से 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, 2 बार चला गया, x आ गया। देखिए, 2 का भाग 8 में दिया, कितना, 4 बार चला गया। उसके बाद देखिए, यहाँ भी x माइनस 4 है, यहाँ भी x माइनस 4 है, इसको बाहर ले गए, यहाँ आपका x बच गया, यहाँ पे आपका +2 बच गया। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, इसके शून्यक। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये हमारे गुणनखंड आए हैं, जो फैक्टर आए हैं, इनको बराबर 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको बराबर 0 रखा तो x माइनस 4 बराबर 0 या x +2 बराबर 0। देखिए बिल्कुल सिंपल है, तरीका समझना आपको। यहाँ से x बराबर कितना आ गया, देखिए माइनस का इसको दूसरी साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का इसको दूसरी साइड लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। यानी साइड चेंज करने पर आपका चिन्ह बदल जाते हैं, याद ध्यान रखें। तो हम लिख देंगे अंतः बहुपद के शून्य के आगे शून्य कर्मश क्या है, -2 × 4 है। शून्य के आगे दोस्तों हमारे -2 × 4 यहाँ पर शून्य का आ गया। ठीक है, ऐसे है जो हम अपना शून्य निकालना सीख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताओ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आने वाले वीडियो में दोस्तों जल्दी हम फिर मिलते हैं।